हेलो एवरीवन, दिस इज एकन 22। आप सभी का स्वागत है छोटू एकन एडवेंचर्स में। हम छोटू इसलिए हो गए क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने एनविल गिराया था। किधर जा रही है? एक घर में आके मेरी बिस्तर पर नहीं सोने का। सबके सब मेरे बिस्तर पर, इनको उठाओ और इधर से खोली खाली कर, हम सोएंगे इधर। यस, तो हमारे सर पे किसी ने एनविल दे मारा था और हम इस साइज के हो गए छोटे। हम हैं 7 पिक्सल हाई। ओके, तो पर हम जा रहे हैं ड्रैगन को मारने और उसके लिए हम निकल पड़े और ये हमारा सामान है। तो हमने लास्ट टाइम मारने की कोशिश करी थी उस आयरन गोलम को, क्योंकि हमें आयरन चाहिए था, पर वो अभी कहाँ गया है पता नहीं। वहाँ पर हम मरे थे, तो मैं वापस से एक्स लेके जाता हूँ हमारी और देखते हैं क्या हम इस बार उसको मार सकते हैं। या तो फिर मुझे करना पड़ेगा एक चीज़ कि हम एरो लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं हमारा और ट्रेड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर विलेजर्स होंगे, वुड काफ़ी सारा है, वुड लेके मैं ट्रेड कर सकता हूँ और एक फ्लेचर से बो एंड एरो खरीद सकते हैं और दूर से शूट कर सकते हैं। पर वो आयन गुलम का बच्चा गया कहाँ पर है? तो फर्स्ट थिंग हम यही करते हैं कि सबसे पहले हम फ्लेचर बनाते हैं और उसके लिए हमें चाहिए रहेगा थोड़ा सा ग्रेवल, मतलब फ्लिंट चाहिए है दो, ताकि हम वो बना सकें। हमें फ्लिंट ढूंढना पड़ेगा। चलो हम फ्लिंट ढूंढते हैं। वो देखो, वो रहा नीचे, देखा आपको? तो हम क्या अंडर वाटर ट्रिक कर सकते हैं? लेट्स सी। मुझे चाहिए है ये दरवाज़ा, ठीक है। तो इसमें से ये निकालो। नाइस, कम ऑन, डोंट प्ले विथ मी। ओके नाइस, हमारे पास दरवाज़ा आ गया है। हमको फ्लिंट कलेक्ट करने के लिए अंडर वाटर जाना है। वो गोलम जो था उसकी हेल्थ थोड़ी कम लग रही थी, मेरे ख्याल से वो मर ना गया हो बस। वो किधर गया है पता नहीं, आई थिंक वो उस तरफ घूमने गया है। रहा बहुत सारा ग्रेवल। नाइस, अब इसे लगाते हैं हम यहाँ पर। लगा पाएंगे हम इसे? लेट्स सी। डोर प्लेस प्लीज। नो, हम इतनी स्लो तैरते हैं पानी में भी। मुझे नीचे जाके माइनिंग करना पड़ेगा इसको। होपफुली हमें फ्लिंट मिल जाए। ओ, मिल गया। ऊपर चलो। नाइस, ओके, मेरे पास ग्रेवल के ब्लॉक्स आ गए हैं, तो मैं इनको बार बार माइन करके निकाल सकता हूँ इसमें से ग्रेवल। एक और कहाँ गया? एक और मैंने माइन किया था। ओके, मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ फटाफट से। अब नीचे नहीं गिरना है हमको, ठीक है। और इसको माइन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हम कॉबल स्टोन रख देते हैं। एक प्लेस करो। नाइस, ताकि मैं नीचे ना गिरूं, ठीक है। हमें फ्लिंट चाहिए बस। ओके नाइस, हमें दो फ्लिंट मिल गया है। अब हमें बनाना है एक फ्लेचिंग टेबल और एक विलेजर को जॉब देनी है। ओके नाइस, हमारा फ्लेचिंग टेबल आ गया है। अब हमें क्या करना है? ये जो विलेजर दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा विलेजर है? ये है फार्मर। तो इसको, इसका जॉब हटा के हमें इसको यहीं पर ही दूसरा जॉब देना है, ठीक है। मेरे पास स्लाइडर्स यहाँ पर है। गधे इधर आओ, हमसे पहले तुम्हारी जॉब चेंज करते हैं हम। आज से तुम फ्लेचर हो, ठीक है। कम ऑन, नाइस, उड़ा दिया। अब ये जाएगा सीधे फ्लेचर के टेबल पे और मुझे देखना है कि ये सही जॉब लेता है कि नहीं। ए, कम ऑन डूफिस, गो। एक्चुअली नॉट बैड, ये वाला ही चाहिए था मुझे, तो मैं इससे, नहीं ये वाला नहीं चाहिए। हमें लकड़ी के बदले में एमरल्ड चाहिए इससे, फिर हम इससे एरोज लेंगे। मुझे खुद ही मारनी पड़ेगी। ओके लेट्स सी, फ्लेचर ही तो देता है ना लकड़ी के बदले में एमरल्ड्स। यस, पर ये दे नहीं रहा अभी कदा का। ए यू, कम ओवर हियर। यस, देने लग गया। ओके, अब मैं जाता हूँ ढेर सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं और फिर हम वापस आते हैं यहाँ से, यहाँ पर, और फिर हम इसे ट्रेड करते हैं, ताकि मैं इसे ट्रेड करके इसके सारे एमरल्ड्स ले सकूँ और फिर ये हमको बो एंड एरो भी देगा। और एक मेरे को फ्लेचर बनाना है जो हमको बो एंड एरो देगा। ओके चलो, फटाफट से काम पे लग जाओ, लेट्स गो। ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पर लैडर लगा दिए, क्योंकि हम पेड़ जो हैं वो नीचे से सिर्फ दो ही तोड़ पाते हैं, दो ब्लॉक से तोड़ पाते हैं। और हमारा यहाँ पर जो घर है वो काफ़ी बड़ा और यहाँ पर ढेर सारी स्प्रूस वुड है, तो हमने यहाँ पर लैडर्स लगाई है और यहाँ से फिर हम लेके जाएंगे हमारा सारा बोर्ड, ठीक है। पूरा घर ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि लैडर अब हमारे काम आएगी बहुत। और जब तक हमारे पास वाटर बकेट नहीं आती, हम लैडर का इस्तेमाल करेंगे इसको काटने में और सारे ब्लॉक्स यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हम नीचे ना गिरें और मरे ना बस। ओके
वो देखो वो रहा, वो दिख रहा है आपको आयन गोलम का बच्चा, बहुत ज़्यादा डैमेज है। अगर मैंने इसको 2-3 एरो किसी भी दूर से मार दिया ना तो आराम से गिरा देगा मुझे अच्छा खासा माल। होपफुली 3 गिराए ताकि मैं बकेट ले सकूँ। चलो काम पे लग जाओ वापस। ओके, अब थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम कर लिया जाए क्योंकि हमें काफ़ी भूख लग रही है और हमारे पास अभी खाना नहीं है, सिर्फ एक एप्पल बचा हुआ है। तो थोड़ी मछलियों का शिकार करते हैं, लेट्स गो, देखते हैं मछलियाँ मार पाते हैं कि नहीं। कम ऑन फिशी फिशी फिशी। एक तो इनके पास बहुत पास जाना पड़ता है। नाइस नाइस नाइस, गुड जॉब। चलो फिश तो हमें मिल रही है कम से कम अच्छी वाली, 3 फिश आ गई। क्योंकि अभी हमारे पास फिशिंग रॉड नहीं है तो अभी हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये उधर क्यों भाग रही है, इधर है क्या? इधर एक है स्कूल फिशेस का। कम ऑन, हेलो। मैं मतलब कि फिश की लेंथ से भी छोटा हूं अभी। नाइस, थैंक यू, गिव मी मोर फिश। सैमन खाएंगे आज हम पेट भर के। कम ऑन, दूर मत जाओ, दूर मत जाओ। ए, इसको पता है, इसके साथ ही मर गए। अभी दूसरी फिश के पास जा रही। कम ऑन कम ऑन प्लीज। ऑल राइडी, तो हमने इनसे ट्रेडिंग करना शुरू कर दी है। और ये देखो हमने 2 ट्रेडर करें क्योंकि हमें एरोज भी चाहिए, बो भी चाहिए। और इससे हमने 8 एमरल्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। अब मुझे इससे बो लेना है और बो हम ले लेते हैं और एरोज लेना है। इतने काफ़ी हैं अभी के लिए मुझे, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आगे जाके हमें शायद इनकी और ज़रूरत पड़े। और एक और चीज़, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं, ठीक है। मुझे ये मछलियाँ हैं जो पकानी है। और ये डर्ट इधर रखो। और ये जो डैमेज ले रहा था ना, अभी मुझे पता चला है कि ये फायर प्लेस जो है यहाँ पर लगी हुई है, कैंप फायर, ये इसी से डैमेज ले रहा था विलेजर। विलेजर क्या क्या नाम है इसका, आयन गोलम। ओके, अब यहाँ पर मैं पहले खाना पका लेता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारी मछलियाँ आ गई है। नाइस, आपको पूरा ये नहीं करना पड़ता है। और जो मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ वो है ये कि अगर आपके पास, आप किसी विलेज में जाते हो और आपको खाना नहीं मिलता है तो हे बेल्स लेने का एक सबसे इजी तरीका है, वो है को अरे यहाँ पर ये लगाओ, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखता है कैंप फायर लगी हुई तो इसके नीचे हे बेल्स लगा के रखते हैं ये विलेजर, और यहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, समझे, इजी पीजी। और ये आ गया आपके पास वीट। नॉइस, ये हुई ना बात। अब यहाँ से निकलो वापस से ऊपर और देखते हैं हमारी मछलियाँ पकी कि नहीं। नाइस, एक मछली पक गई है, गुड। और हमारे पास बो एंड एरो आ गया, अब शिकार करेंगे हम उस आयरन गोलम का, ठीक है। मैं बाकी बाकी बची हुई मछलियाँ भी लेता हूँ, मुझे आलू भी मिले। और एक और वो वाला जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर मुझे एक चेस्ट दिखा है, वो शायद डाइंग वाला है तो मुझे उसको कलेक्ट करना आएगा। कॉल्ड्रन जिसके पास रहता है, लेदर आर्मर, लेदर वर्कर, हाँ लेदर वर्कर का घर है वो। प्लीज़ गिव मी आई, गिव मी माई फिश। कहाँ गई बाकी की मछलियाँ, नीचे गिरी क्या? प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि वो डिस्ट्रॉय हो गई सारी नीचे गिर के, या फिर इसमें फायर में बर्न हो गई। वो ये रही यहाँ पर, मैं इसको लूँ कैसे, क्योंकि हमारा, ओह नाइस, 6 आ गई, गुड गुड गुड, हो गई शायद हमारे पास सारी मछलियाँ आ गई हैं। ओके, अब हमें बस इसको मारने हैं 2-3 शॉट। और क्या करूँ मैं, चलो यहीं से ट्राई करते हैं क्योंकि इसके नीचे आ नहीं सकता ये। 1, 2, 3, यस। अब ये फंसा रहेगा यहाँ पर और मैं किसी विलेजर को ना मार दूँ इसके चक्कर में। बस इसकी रेंज से दूर रहना मुझे। डाई 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 डाई। और ये कैंप फायर के ऊपर चल चल के इतना डैमेज लिया इसने। और मेरे पास अगर बकेट्स आ गए, प्लीज 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 प्लीज, 3 गिराना। कितना खाएगा ये, मुझे लग रहा है हमारे एरोज के साथ साथ, हमारी हाइट के साथ साथ हमारे एरोज का पावर भी कम हो गया। कम ऑन डूफस, यस, नाइस वन। कम ऑन, यस, 5 मिल गई। ये हुई ना बात, ये हुई ना कुछ बात। 5-5 मेरी लैडर्स कहाँ पे लगा के रखी है। अब मैं इसको सुरक्षित हमारे चेस्ट में, मैंने इन सबको जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करके इधर रख दिया क्योंकि ये जो है यहाँ पर बेल के पास में मीटिंग करने आते हैं तो ज़्यादातर टाइम इनका जो है वो यहीं पर स्पेंड करते हैं ये, इसलिए मैंने इनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी। हमें 5 आयन मिल गया, लॉटरी खुल गई हमारी। नाइस, ये होने बात कुछ।
गुड गुड गुड। अब मुझे फर्स्ट थिंग हमें बनानी है एक बकेट। गुड। और बाकी का आयन रख दो इसमें संभाल के। और हमारे पास अभी और बाकी है। हाँ तो मैं अब क्या करता हूँ, अब हमारे पास बो है और मुझे ट्रेड करने हैं इनसे सिर्फ और सिर्फ एरोस। प्लीज इधर उधर मत जाओ। लो ये जाने लग गए। हे गेट अप। ये देगा क्या एरो मुझे? नहीं, हम सो जाते हैं पहले। ओके, हमारे पास आ गया है आयन बकेट और अब हम ट्रेड करेंगे इनसे एरोस अच्छे खासे, ताकि हम दूसरों को मार सकें दूर से। ओके, और इस विलेज को याद रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर है। अब हम थोड़ा सा देख कर आते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको इजी पीजी। और मेरा स्पॉन ये सेट है, ठीक है। अब हमें बस इसमें पानी भरना है। और एक और चीज़ कि हम लावा भी कलेक्ट कर सकते हैं एक और बकेट अगर हमारे पास आ गई तो। लेट मी डाउन, कहाँ पर लगाई थी मैंने, वो रही लैडर, यहाँ पर भी लगा देते हैं। सब दूर लैडर लगा के रखो ताकि जहाँ से भी मौका मिले उतरने का उतर जाए हम। गुड, बस अबे हमको बस पानी चाहिए, उसके बाद हमारा काम हो गया। फिर हम ऊंची ऊंची इमारतों पे चढ़ सकते हैं आराम से। गोलम को तो मार ही दिया है हमने, सबसे पहला शिकार हमारा गोलम। ये देखो ये हुई ना बात, इजी पीसी। ओके तो हम जाते हैं, जो मुझे चेक करनी थी बिल्डिंग, इजी क्लैप। अब देखो हम फास्टेस्ट एफ हो गए हैं। ओके तो ये वाला था, यहाँ पर कहीं पर चेस्ट हमें दिखा था, ये रहा, नाइस। इसमें है चार एमरल्ड्स, नाइस। लेदर पैंट्स, एक ब्रेड भी आ गया है, कोई बात नहीं, अभी जो भी मिल जाए हमें वो हम खा लेंगे, ठीक है। मैं देख लेता हूँ इसके अंदर कुछ है क्या, ये चेस्ट भी कलेक्ट करना है हमें। तो हमारी फर्स्ट रेड हो गई है। अब क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पर हमको अभी हमारा आर्मर आ गया, अब हमको जाना है माइनिंग के लिए। हमारे पास वाटर बकेट आ गई है, हमने गोलम को मार दिया है और उसके नीचे केव है क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर जो हैं वो स्पॉन हो रहे हैं। ये देखो हमको बस ये करना है। उश 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 उश, आराम से आराम से, इतनी जल्दी में ये डालो। कम ऑन डूड, आराम से नीचे गिर सकते हैं हम एम एल जी करके। वन बॉल वन ब्लॉक एम एल जी है। लॉल, व्हाट द हेक वाज दैट, व्हाट द हेक वाज दैट, ओह माय गॉड। ये देख रहे हो, मतलब इसका हिटबॉक्स इतना ज़्यादा है कि हम आराम से उधर से जा सकते हैं, कहीं पर भी चढ़ना है अब हम आराम से चढ़ सकते हैं, ऊपर से नीचे उतर सकते हैं, जिधर भी जाना है हमें। गुड जॉब। अब हम थोड़ा निरीक्षण करते हैं विलेज का। विलेज में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। अब डेजर्ट हमारे पास है तो हमें ढूंढना है एक पोर्टल बनाने के। मैं पोर्टल कैसे बनाऊंगा, पर सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए, और माइनिंग के लिए हमें डायमंड्स चाहिए। हम डायमंड्स लेंगे, डायमंड्स के बाद हम बनाएंगे हमारे डायमंड का आर्मर, नाइस। और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमको ट्रैवल करने में या डायमंड खोजने में। बेस्ट चीज़ यह है कि हम समुद्र में जाके खजाना खोज सकते हैं, ठीक है। और क्या डायमंड का आर्मर वर्थ रहेगा हमारे लिए, ये जानने के लिए देखते रहिए छोटू एक एन माइनक्राफ्ट एडवेंचर्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं क्या हम धूम मचाते हैं। ए विलेजर, क्या दिख रहा है भाई, चल निकल यहाँ से।